डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेकंड, आज का सब्जेक्ट है मॉरल साइंस। चैप्टर टू चल रहा है अमृत वाणी। इसमें मैंने आपको एकादश सूत्रम के कुछ श्लोक आपको बताए थे, उसी श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण श्लोक और हैं, आज मैं इनको करा रहा हूँ। तो परीक्षा में भी लिखने को आ जाता है पवित्र पर्वतों वाला श्लोक लिखिए, तो पर्वतों वाला श्लोक कौन सा है हमको ये ध्यान में रहना चाहिए। महेंद्रो मलया सहयो देवतात्मा हिमालया धेयो रैवत को विंध्यो वृषारावलिष्ट था। महेंद्र पर्वत, मलय पर्वत, सह्याद्रि पर्वत और हिमालय, धेय पर्वत, रैवतक, विंध्याचल और अरावली, ये पर्वतों के नाम हैं। अगर इनमें पर्वत लिखने को आते हैं तो भी लिख देंगे, श्लोक लिखने को आते हैं श्लोक लिख। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण श्लोक है पवित्र नगरों वाला श्लोक, यानी जो हमारी पवित्र पुरियां हैं या पवित्र नगर हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, वैशाली, द्वारिका, धेया, पुरी, दक्ष, शिलागढ़। तो इसमें कौन कौन सी पवित्र नगरियां हैं? अयोध्या है, मथुरा है, माया यानी हरिद्वार है, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका यानी उज्जैन, वैशाली ये बिहार में है, द्वारिकापुरी और तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। तो ये हमारे पुरियों के नाम हैं, पवित्र नगरों के नाम हैं। ये दोनों श्लोक आप लोग कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसी अपेक्षा है। और इसी के आधार पर मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ये होमवर्क है निम्न श्लोक पूर्ण करिए, जो ऊपर मैंने पढ़ाए हैं उन्हीं संबंधित हैं, अयोध्या, अवंतिका। तो यहाँ पर आपको शब्द भरने हैं माया, अयोध्या, मथुरा, माया। यहाँ पर मथुरा भरना माया, ठीक है, फिर यहाँ पर भरना है काशी, कांची, फिर यहाँ पर लिखना है वैशाली, द्वारिका, फिर पुरी, तक्षशिला। इसी क्रम में आगे है महेंद्रो मलया, मलया भरना है, महेंद्रो मलया सहयो देवतात्मा भरना है, धेयो रैवतको विंध्यो गिरिशारा बलिस्तथा। इसी के साथ मैं समझता हूँ आज का ये शिक्षण कार्य संपन्न होता है। इसको आप लिपिबद्ध कर लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसी भैया बहनों से अपेक्षा है।